सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल निक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ओप्पो ने कुछ अलग हटके किया है और इस बार आपको काफी अच्छे प्रोसेसर के साथ और काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, तो आज हम इसका डिटेल रिव्यू करेंगे। आइए देखते हैं कि क्या ये अपने रियल टाइम में कैसा परफॉर्म करती है। दिखने में ये काफी शानदार है, पीछे आपको पूरे ग्लास बॉडी मिलती है और साथ में पीछे आपको फिंगरप्रिंट मिलता है जो काफी एक्यूरेट है। आप देखेंगे टच हुआ और खुल गया, टच होगा खुल जाएगा, काफी दमदार लुक और आपको ये फोन डिजाइन में कभी निराश नहीं करेगी, काफी प्रीमियर लुक आपको देता है, साथ ही हैंड फील भी बहुत जबरदस्त है। ये फोन आपको जरूर निराश करेगी और आज 2018 में भी आपको यहाँ पे USB पोर्ट मिलता है जो डिस्प्ले की करें तो ये काफी वाइब्रेंट और ब्राइट है। इसमें आपको 6.2 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है जो ब्राइट लाइट में भी काफी अच्छी फीलिंग देती है। स्पीकर की करें तो वो भी काफी दमदार है और काफी अच्छी साउंड क्वालिटी देती है, आपको मूवी देखने में थोड़ा भी परेशानी नहीं होगी। बारिश हो जाऊंगा तुम बादल हो जाओगी देख। आज परफॉर्मेंस की करें तो इस बार ओप्पो ने कुछ अच्छा किया है और आपको इस बार दिया है MediaTek का हीलियो P60 प्रोसेसर जो काफी नया प्रोसेसर है, लेकिन आपको यह स्नैपड्रैगन 660 को आसानी से टक्कर लेता है। इससे आपको काफी हेवी गेम्स और आप कुछ भी खेल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये काफी दमदार चिप्स है और बड़ी अच्छे काम करती है। इसमें आप गेम खेलने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। MediaTek का पीलियो 60 आपको काफी दमदार प्रोसेसर देता है और गेम प्ले भी काफी आसानी से और काफी अच्छी क्वालिटी देता है। इसमें आपको 4GB की रैम मिलती है और साथ ही 64GB की रोम मिलती है जो काफी हेवी है और आपको डे टू डे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम देखने को। भले ही इसमें आपको 3400mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन फिर भी ये हमारे टेस्ट में लगभग 17 घंटे का बैकअप देता है जो काफी अच्छी बात है। करें तो ओप्पो F7 में आपको 16MP का रियर कैमरा मिलता है जो 1.8 अपर्चर के साथ आता है जो लो लाइट और डे लाइट दोनों में काफी अच्छे पिक्चर क्लिक करता है और आपको इसमें नेचुरल फोटो मिलेगी और ओवर एक्सपोज नहीं मिलेगा। बात फ्रंट कैमरा की करें तो इसमें आपको 25MP की कैमरा मिलती है, कोई शक नहीं है कि वो काफी दमदार पिक्चर लेती है कोई भी सिचुएशन, लो लाइट डे लाइट। फ्रंट कैमरा इसका जबरदस्त है और काफी कमाल की सेल्फी लेती है। बात पीछे के कैमरे करें तो सिंगल लेंस होने के कारण आप इसमें अच्छी पोर्ट्रेट मोड नहीं ले पाएंगे जिससे आपकी फोटो में ब्लर ज़्यादा हो जाएगा, कभी आपका फेस ब्लर हो जाएगा, इसलिए इस मामले में थोड़ा पीछे रह गया है ओप्पो। बात इसकी सॉफ्टवेयर की करें तो आपको यहाँ ऑडियो का अपडेट मिलता है और साथ ही आपको कंपनी की तरफ से कलर ओएस का भी फीचर मिलता है जिससे कि आप बहुत सारे नए फीचर्स का मजा ले पाएंगे जैसे फेस अनलॉक और ब्यूटी मोड और साथ ही गेम बूस्टर यादि का आप मजा आसानी से ले पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये काफी दमदार फोन है चाहे कैमरा हो या परफॉर्मेंस, लेकिन जब बात दाम की आती है तो मेरे हिसाब से ये दाम काफी अधिक है। इस फोन की कीमत अगर 18 से 20 हज़ार होती तो मैं इस सेगमेंट का इसे बेस्ट फोन करार देता, लेकिन कहीं ना कहीं ओप्पो ने प्राइस में जरूर गलती की है। आशा करता हूँ आपको इस ओप्पो F7 की रिव्यू काफी पसंद आई होगी और लेने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए और सब्सक्राइब बटन को दबाएं जरूर और लाइक बटन।